उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नेता विपक्ष के प्रबल दावेदार समझे जा रहे प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष नहीं बनाया गया। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उधर करण महारा को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। भुवन कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इन हालातों में प्रीतम सिंह की सीएम धामी से मुलाकात के सियासी हलकों में भले ही कई मायने निकाले जा रहे हों, लेकिन प्रीतम सिंह का कहना है कि कुछ मुद्दों पर मेरी सीएम धामी से मुलाकात तय थी, लेकिन ये इत्तफाक है कि मुलाकात से पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के नाम का ऐलान हो गया। हालांकि भविष्य में उनका कदम क्या होगा इस पर प्रीतम सिंह चुप्पी साध गए। कह सकता हूं कि ये इत्तफाक था। मैंने कल सुबह मुख्यमंत्री जी से वहां के कार्यालय में समय मांगा, उन्होंने जो समय मुझे दिया वो 7:15 बजे का दिया। अब इत्तफाक है कि उससे पहले सूची आ गई, तो प्रेस के लोग तो देखते हैं हर चीज को बड़ी नजदीक से। उन्होंने सोचा शायद मैं ये सूची आने के बाद मुख्यमंत्री से मिलने गया, मुझे तो जाना ही था, तो मैं गया, उनसे कुछ काम था, उस कार्य पर मैंने बात की और मैं वहां से आ गया। नेता विपक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को इस बार नेता विपक्ष नहीं बनाया गया है। यशपाल आर्य को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। नेता विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलने पर प्रीतम सिंह का दर्द भी झलका। उन्होंने इशारों ही इशारों में वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि आला कमान को मेरे बारे में गलत फीडबैक दिया गया। सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से खास बातचीत में प्रीतम सिंह का दर्द छलक उठा। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह जी हैं। प्रीतम सिंह जी, बहुत जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने 3 वरिष्ठ पदों पर कांग्रेस के लोगों के नाम घोषित कर दिए, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष। लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है आमतौर पर उत्तराखंड में, जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर या किसी भी, वो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चूक हुई है। देखिए, ये उत्तराखंड का अतीत रहा है, खासतौर से कांग्रेस में। जब कभी भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष या सरकार बनाते समय जब हम रहते हैं, तो दोनों ही मंडलों में बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है। इस बार एक थोड़ी चूक हुई है कि गढ़वाल मंडल जो है उसे अछूता रह गया है, लेकिन राष्ट्र नेतृत्व का निर्णय है। अब निर्णय जो है हम सबको स्वीकार्य है। बिल्कुल स्वीकार्य तो है, लेकिन पहले से ही जिस तरीके से बात आ रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व तो आपको मिलेगा, क्योंकि जो पहली बार का टेन्योर था वो बहुत कम था और एक सिंबॉलिक था, सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे और आप डिजर्व भी करते थे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आपके उस साथी को देना जो अभी हाल में ही फिर से कांग्रेस में आए हैं, बहुत सारे लोग इसमें सवाल कर रहे हैं। आपने क्या अपने हाईकमान से इस बारे में बात की? नहीं, देखिए मेरी बात नहीं हो पाई, और जो प्रश्न आपने पूछा है, देखिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष एक पद होता है और एक पद में कई लोग दावेदार होते हैं, तो मिलना तो एक ही को है। अब जिसको मिल गया वो हमारे नेता प्रतिपक्ष। अब ये सब चीज़ें जो है निर्भर करती है जो राज्य में और राज्य के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में समन्वय करता है, उसने क्या फीडबैक जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया है। तो हमने तो कोशिश की कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की कांग्रेस स्थापित हो, और उसके साथ साथ जो है जितना हमें ताकत थी उतनी ताकत के साथ हमने अपने साथियों को सहयोग करने का काम किया है। अब जिन लोगों ने समीक्षा की उन्होंने क्या फीडबैक किया, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को कहा, और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को ये कहा है कि गुटबाजी की वजह से, जो मुझे केसी वेणुगोपाल जी ने भी कहा, देवेंद्र यादव ने भी कहा कि भाई गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हारी है, तो उस गुटबाजी की तो जांच होनी चाहिए ना कि उस गुटबाजी में कौन इन्वॉल्व था, जांच करें, और अगर मैं दोषी क्या नाम पाया जाता हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार। कुछ सोचा है? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं ये जरूर कहता हूं कि भाई इस पर जांच होनी चाहिए, तो जिसके लिए दोषी है
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने अगर सही है तो मैं दोषी, और गलत है तो जिन्होंने फीड किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कब तक? अभी तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, मैं तो समय सीमा बांध नहीं सकता। मैं तो विधायक हूँ, विधायक के रूप में अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करूंगा। आप प्रीतम सिंह जी, एक लास्ट सवाल है, बात अब लॉयल्टी की भी हो रही है कि शायद पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति जो एक लॉयल्टी होती है उसकी अब शायद कांग्रेस में मायने नहीं रह गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉयल्टी के मायने नहीं रह गए। लॉयल्टी अपनी जगह रहती है, वो देर से सही लेकिन सामने आती है। भाई अगर हमने कहीं पर कांग्रेस को क्षति पहुंचाने का काम किया है तो स्वाभाविक बात हम दोषी, फिर लॉयल्टी मायने नहीं रखती। सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम सिंह जी थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच होनी चाहिए, कांग्रेस को किसने कमजोर किया या कैसी गुटबाजी थी, और अगर वो दोषी हैं तो वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं और वो खुद भी नैतिकता के आधार पर कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है या फिर एक नई गुटबाजी को यहाँ पर श्रेय दे रही है। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझेला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। और ज्योत्सना की आप रिपोर्ट देख रहे थे, ज्योत्सना का सीधे रुख करते हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योत्सना, दर्द दिख रहा था प्रीतम सिंह की बातों में, और दर्द और नाराजगी में बहुत ज्यादा फासला नहीं होता है। अगर दर्द नाराजगी तक पहुंच जाए तो फिर बगावत की शुरुआत भी हो जाती है। क्या वही प्लेटफॉर्म तैयार होता हुआ दिख रहा है? देखिए, प्रीतम सिंह के बारे में सभी लोग जानते हैं कि प्रीतम सिंह मृदुभाषी हैं, सोवर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक अपनी पकड़ है। आप सोचिए कि 6 बार से लगातार वो विधायक हैं और एक ही विधानसभा क्षेत्र से, उन्हें हराने की तमाम कोशिशें भी बीजेपी की तरफ से भी, उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कोशिश की कि प्रीतम सिंह को किसी तरीके का नुकसान हो, लेकिन कोई उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। चाहे मोदी लहर रही हो, चाहे राम मंदिर लहर रही हो, हमेशा प्रीतम सिंह अपने क्षेत्र से कह सकते हैं कि विजयी रहे हैं। रही अब के बाद तो बिल्कुल ये बात तय थी कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, क्योंकि उन्होंने एज ए प्रदेश अध्यक्ष और एज ए नेता प्रतिपक्ष बहुत शानदार काम किया था। और 2017 में जो कांग्रेस बिल्कुल मायूस हो गई थी, एक भी कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय तक नहीं आता था, मनोबल एकदम गिरा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस धड़ाम से सरकार से 11 सीटों में सिमट गई थी, मुख्यमंत्री तत्कालीन 2-2 सीटों से हार गए थे। ऐसे में प्रीतम सिंह ने कांग्रेस को संभाला और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 2022 की लड़ाई के लिए तैयार किया। तो अब ये उम्मीद थी कि सीनियरिटी देखते हुए, उनकी लॉयल्टी देखते हुए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और वो मुखर नेता प्रतिपक्ष भी साबित होते, क्योंकि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हाईकमान ने जो फैसला लिया उसमें यशपाल आर्य का नाम आया। सबसे पहला सवाल तो यही था मनु, आप और मैं पहले भी बात कर चुके हैं कि जो क्षेत्रीय संतुलन की बात होती है गढ़वाल और कुमाऊं, उसका ध्यान नहीं रखा गया। आप सोचिए कि किस तरीके का फीडबैक होगा, संभवतः सोनिया गांधी या राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे कि एक जिले के 2 विधायकों को नेता प्रतिपक्ष भी और उपनेता प्रतिपक्ष भी बना दिया जाए, क्योंकि ये किसी भी पार्टी में संभव नहीं होता। यानी कि आपने एक दो बड़े पद एक जिले को दे दिए, जबकि आपके पास वही 2 पद हैं देने के लिए। खटीमा और बाजपुर दोनों स्थान उधम सिंह नगर जिले से आते हैं। उसके अलावा प्रीतम सिंह को जो सबसे ज्यादा दुख है और जो उनके मन में टीस है वो इस बात की है कि उनको जो जानकारी मिली है कि अविनाश पांडे जो पर्यवेक्षक यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस हारी है और उसमें इनका नाम भी लिखा गया कि इनका भी एक गुट था। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसकी जांच हो जाए, जो समन्वयक हाईकमान ने बनाए थे वो इस बात की जांच करे कि उनकी रिपोर्ट सही है या फिर मैं दोषी हूँ। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मैं दोषी हूँ तो नैतिकता कहती है कि आप निर्णय लें। और जो हमारी जानकारी है, जितने हम वहाँ लोगों से मिले प्रीतम सिंह के घर पर, मनु, जितने कांग्रेस के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं इस डिसीजन के बाद कांग्रेस के अंदर एक सुगबुगाहट है। और वो सुगबुगाहट यूं ही नहीं है, वो अलग बात है कि कल इत्तेफाक था कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने टाइम लिया था। लेकिन
प्रीतम सिंह और कई अन्य विधायक इस समय प्रीतम सिंह के टच में हैं, सभी लोग बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हाई कमान के फैसले से कांग्रेस का एक बहुत यानी यानी यहाँ पर कुल मिलाकर कांग्रेस में अभी उठापटक देखने को मिल सकती है, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा, भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी, यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत तेज। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाना। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने नई जिम्मेदारी दिए जाने पर हाईकमान का धन्यवाद भी दिया। कांग्रेस में इस वक्त चल रहे घमासान के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा है कि किसी तरह का कोई घमासान नहीं, वो अपने वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से ही कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महरा। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको नई उपलब्धि और नई जिम्मेदारी की बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महाराज जी, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप बहुत कम उम्र में प्रदेश संगठन की कमान संभाल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि अभी अभी पार्टी हार देखी हुई है और पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का मनोबल इस समय गिरा हुआ है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है और मैं चाहूँगा कि लोगों का मनोबल उठा सकूँ। लेकिन मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख रहा हूँ कि जो हाईकमान ने मुझ पर विश्वास जमाया है उनके निर्णय को सही साबित करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और मैं करूँगा। महाराज जी, राजनीतिक तौर पर आप हमेशा से परिपक्व रहे हैं, कह सकते हैं कि जीन्स में राजनीति रही है। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है बहुत ही एक परिपक्व राजनीतिक परिवार से आप आते हैं। आपने साफ कह दिया कि चुनौती बहुत है और खास तौर पर 2017 की हार है, उसके बाद 2022 की अप्रत्याशित हार, मनोबल बहुत ज्यादा डाउन है। गुटबाजी आप कहें कि नहीं है लेकिन वो भी है, चाहे वो धरातल पर कहें या पर्दे के पीछे कहें, कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, मैं सबका प्रिय हूँ पार्टी में, जहाँ मैं प्रीतम सिंह जी के संग विधायक रहा, गोदियाल जी का साथी रहा, उसी तरीके से मैक्सिमम सीनियर्स के साथ मैंने सदन में काम किया है। हरीश रावत जी के साथ बचपन से जुड़ा रहा हूँ, उनके साथ भी काम किया है, तो सभी का प्यारा हूँ। तो कम से कम मुझे देख के तो कोई इस तरीके का नहीं करेगा, मुझे विश्वास है, और सब लोग एक होके पार्टी की मजबूती में लगेंगे। और जहाँ तक मेरे कार्यकर्ता के मनोबल की बात है, उसमें कुछ चीज़ें हैं उनको जो समझाने, क्योंकि जो चुनाव का नतीजा है, भले ही बीजेपी ज़्यादा विधायक ले गई लेकिन जो वोट परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ बीजेपी ने फ्री राशन व्यवस्था दी, जहाँ उन्होंने 2,000 रुपये उनके खाते,
हम कार्यकर्ता के माध्यम से ये समझाने में नाकामयाब रहे लोगों को कि आपको हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है और आप ये 500 रुपये के लालच में हम ये गलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जिनको लेकर हमको प्रखर होने की ज़रूरत है, जो आप भी जानते हैं कि एक इंदिरा आवास नाम की योजना होती थी, प्रत्येक गाँव को लगभग हर साल एक मकान मिलता था, किसी गरीब की छत बन जाती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास का ढिढोरा पीटा जा रहा है। अगर आप सर्वे करें तो आज गाँव में 3-3 साल से कोई मकान नहीं आया। कई गाँव, कई मेरे यहाँ ताड़ीखेत ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक लगभग है ताड़ीखेत ब्लॉक अल्मोड़ा ज़िले का, 3 आवास पूरे साल में आए हैं। तो वो जो गरीब इंतज़ार करता था कि मेरा घर बन जाएगा, गाँव में लोग इतना पलायन कर चुके हैं, रोज़गार के साधन नहीं है, ऐसे में लोगों को जो सुविधा मिलती थी वो बंद हो गई। इन सबको हमारा कार्यकर्ता जब याद दिलाएगा तो निश्चित ही कांग्रेस वापसी करेगी। महाराज जी, दो चीज़ें सामने आ रही हैं इस समय। एक जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि गढ़वाल को इस समय कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया है, ये साइडलाइन कर दिया है। तीनों जो सीनियर पोस्ट हैं संगठन की और विधानमंडल की, वो कुमाऊं को चली गई हैं। और एक जो और आपत्ति आ रही है वो खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर आ रही है कि जो 5 साल बीजेपी में रहे, अभी केवल कमबैक उन्होंने किया और सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष बन गए, ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए ज्योत्सना जी, हमको सीखना चाहिए। जहाँ तक सवाल उठता है कि गढ़वाल और कुमाऊं का, हमको ये समझना चाहिए कि हमारा राज्य अलग बन चुका है, हम उत्तराखंड अब यूपी से अलग हो चुके हैं। विषय आना चाहिए कि लोगों के रोज़गार कैसे लगेंगे, कैसे पलायन हम रोकेंगे, कैसे अपने पानी का, जंगल का हम बेहतर इस्तेमाल करेंगे, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। ये जो लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं, मेरे को उनको आपके माध्यम से जवाब देना है कि जब माननीय अजय भट्ट जी जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, वो नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष थे, उस समय ये लोग कहाँ सोए थे, इन्होंने कभी इस तरीके की बात नहीं की। हमारे गढ़वाल से ही हमारे त्रिवेंद्र रावत जी, तीरथ रावत जी दोनों मुख्यमंत्री रहे, दोनों टाइम कौशिक जी अध्यक्ष थे, तीनों गढ़वाल से थे, तब इन लोगों ने बात नहीं उठाई। तो ये ऐसे कुछ लोग असामाजिक तत्व मैं इनको कहना चाहूँगा जो कुमाऊं गढ़वाल के झगड़े में उत्तराखंड के विकास को रोकने का काम करते हैं, यहाँ के माहौल को ख़राब करने का काम करते हैं, जिस चीज़ को लोग भूल चुके हैं, जिस चीज़ को भुला के लोग प्यार से साथ रहने लगे, उसको दोबारा से उकेरने की कोशिश है और उत्तराखंड के हृदय में घाव लगाने की कोशिश के रूप में मैं इसका देखता हूँ, उनका तिरस्कार करता हूँ। रही अध्यक्ष जी की, नेता प्रतिपक्ष की, उसमें मुझे यही कहना है, देखिए जिन लोगों ने पार्टी तोड़ी, उस समय यशपाल जी पार्टी छोड़ के नहीं गए, वो बाद में गए, उन लोगों को वहाँ जाते मंत्री का पद मिला, आज भी कई लोग उसमें मंत्री पद पे हैं, उस समय किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ये बातें नहीं उठाई। हमारी पार्टी में अगर कोई आगे कुछ करता है तो वहाँ बातें उठती हैं। महाराज जी, लास्ट सवाल, विधिवत जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सबसे पहला स्टेप या पहला डिसीजन आपका क्या होगा पार्टी के लिए? मेरा जो सबसे पहला डिसीजन होगा वो है कि मैं पूरे उत्तराखंड का दौरा करके लोगों के पोटेंशियल को देख के, लोगों को समझ के, उसके बाद मैं अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करना, गठन करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह ये नहीं होगा कि 200 पद किसी को, 100 पद किसी को, एक गंभीर और सही जो संगठन होता है उसको बना के देना चाहूँगा, जिसको लोग सीरियसली लें। सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और एक अपनी बहुत अच्छी टीम तैयार करेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से कांग्रेस लौटेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक होगा। कैमरामैन मंजुल सिंह माझीला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। यशपाल आर्य ने नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने के लिए आलाकमान को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा कि वो राज्य के हित में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निर्वहन करेंगे। मैंने कहा कि हम रचनात्मक सहयोग देंगे, हम रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे, लेकिन अगर सरकार अनदेखी करेगी उन सवालों का जो आज की मांग है, और जो जो कांग्रेस का जो एजेंडा रहा है, जो हमने कहा है, हम उसको भी दबाव बनाएंगे, उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को, उन वायदों को जो आज समय की मांग है उसको पूरा करने की दिशा में पहल नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो निश्चित रूप से हम सदन में पुरजोर तरीके से आवाज़ बुलंद करेंगे।
उत्तराखंड के सहकारिता विभाग में जो नियुक्तियों के मामले में सामने आई फर्जीवाड़ी के बाद कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रदेश अध्यक्ष करण माना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून में जो सचिवालय है उसके गेट के बाहर धरना दिया है। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधानसभा में हुई भर्ती मामले में कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाने की बात कही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर, उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा, भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी, यहाँ WAB नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाए। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उधमसिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में 23वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। सीएम धामी ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम धामी ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हर संभव कदम उठा रही है, खिलाड़ियों को हर संभव खेल सुविधा मिले इसके लिए सरकार ने खेल नीति 2021 को लागू भी किया है। और प्रतिभाग करने वाले पूरे देश से और विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलों को और खिलाड़ियों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए जो नीति बनाई उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति हम लेकर आए, जिसमें एक सामान्य परिवार का भी अगर उत्कृष्ट कोई भी खिलाड़ी है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, अगर वो खेल में उसकी योग्यता क्षमता है तो उसको अपनी योग्यता क्षमता के लिए दिखाने के लिए किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं कि एक सामान्य परिवार का बेटा बेटी भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सके, उनके लिए सरकार हर संभव उनके प्रोत्साहन के लिए हर प्रकार की सहायता करने के लिए हमने अपनी नई खेल नीति को लागू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अधिवेशन में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि 2025 में जब हम उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती मना रहे होंगे उस समय हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो जाए, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में कोशिशें दरअसल कर रही है और साथ ही इसमें जन सहयोग और जन भागीदारी की भी जरूरत है। उसमें निश्चित रूप से हमारे जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने उन सभी से अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पर चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, उसमें उन सभी का योगदान अपने अपने डिपार्टमेंटों से जिस प्रकार का सभी लोग उत्तराखंड के नवनिर्माण में आगे आए और अपना योगदान दें, जो भी उनकी सेवा है उस सेवा का अच्छी तरह से हो, और जो उन्होंने सरकार से भी मांग की है निश्चित रूप से उसके लिए हमने एक समिति बनाने का भी निर्णय किया है। वो समिति सभी को सुनेगी और सुनने के बाद उसमें समाधान करेगी।
उधमसिंह नगर जिले में प्रशासन अवैध खनन के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। ताजा मामला जसपुर के गांव पूरनपुर का है, जहां फीका नदी के किनारे खनन माफिया दूसरे के खेत से बिना अनुमति के भारी मात्रा में अवैध खनन कर रहे हैं। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, इसके साथ ही खनन के लिए जिस खेत की अनुमति थी उनका कहना है कि इसमें करीब 1000 जो घन मीटर है और सरकारी भूमि से करीब 1800 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन किया गया। पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जा रही है। अवैध खनन किया जा रहा है, या जो जांच के लिए से पता लगा कि इसमें एक मिशन मिली हुई थी, परंतु फिर भी आज मौके पर जाके देखा गया तो पता लगा कि इनके द्वारा जो जिस भूमि में इनको परमिशन दी गई है उसमें लगभग 1000 घन मीटर और इसके अलावा जो सरकारी भूमि है उसमें 1800 लगभग घन मीटर की लगभग इन्होंने खनन किया है, जो कि अवैध है। और इसी के संबंध में रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को पेश कर दिया। उत्तराखंड में पंच केदारों में एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर का मुख्य द्वार तोड़े जाने का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर के मुख्य द्वार को नुकसान पहुंचाया है। इस बात से रुद्रनाथ मंदिर के पुजारियों सहित चमोली की जनता में भारी आक्रोश है। नाराज मंदिर के पुजारी और लोगों ने चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में प्रदर्शन किया, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। परंपरा शंकराचार्य की जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने खंडित करने की जो परंपरा चल रही है कि मंदिरों को नुकसान करने के लिए, अभी कुछ दिन पहले जो रुद्रनाथ में अभी तोड़ फोड़ हुई, गर्भगृह के अंदर जो चैनल गेट तोड़ा गया उस संबंध में था। हमारा कहना सिर्फ ये है कि हमारे तीर्थ जो अभी आज हमारे चाहे साउथ से और दक्षिण से लगाएं और यहाँ तक लगे, जो भारत एक सूत्र में बांधने का जो शंकराचार्य जी ने सनातन को जिंदा रखने के लिए जो कोशिश की थी, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, जो हमारे यहाँ तीर्थ इस हिमालय के अंदर है, इनको सुरक्षित रखने के संबंध में हम बात कर रहे हैं। जैसे केदारनाथ जी के जो कपाट गर्भगृह तक जो तोड़ फोड़ चैनल तोड़ के जाना, अब मैंने असामाजिक तत्व हो, जो भी जैसे भी पूरा हो, हमारे उस संबंध में कि तीर्थों को हम सुरक्षित कैसे रख सकें। भाई देखिए, आज हम बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं चाहे केदारनाथ की बात कर रहे हैं, ये हमारी सनातनी परंपरा का एक स्तंभ है, हमारे की भावनाओं को जोड़ने का है, पूरे भारत को एक करने की वो है। अगर हम इन पत्थर इनके साथ जो हम अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हमारे सनातन के लिए कलंक, आघात ही नहीं कि कलंक भी हमारे सनातन। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा जगत की जानी मानी हस्तियों के अलावा कई यूनिवर्सिटीज और संस्थानों के शिक्षाविदों ने शिरकत की। रविवार को मांडूवाला यूनिवर्सिटी की शाखा IQC के तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय अकादमिक मान्यता की ढांचागत व्यवस्था में IQC के सुगमतापूर्ण पहल था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव ने वेबिनार के जरिए कहा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि NAC का उद्देश्य उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है और इसके लिए जरूरत है यूनिवर्सिटीज के आंतरिक गुणवत्ता सेल को मजबूत बनाया जाए ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिले। इस मौके पर HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर के प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश गुंसाई और वेगार्ड बिजनेस एजुकेशन सर्विसेज अमेरिका के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर VJ वायरा रेड्डी, जामिया हमदर्द की डीम यूनिवर्सिटी के नई दिल्ली के प्रोफेसर शेख रेसुद्दीन HV देसाई कॉलेज पुणे के विशेषज्ञ पीयूष M पहाड़े ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। Keeping them
into our minds while we are framing our vision document for the next 10 years. I am confident that today's deliberations shall be worthwhile with a pocket full of takeaways. My dear friends, let quality